नमस्कार, खबर फास्ट पर स्टेट इन फोकस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सेमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जारी जंग के बीच में पंजाब कांग्रेस के विधायक कुलदीप वैद्य ने कहा है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और वहीं विधायक वैद्य ने कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर देश भर में आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, और इसी सिलसिले में पंजाब कांग्रेस भी सड़कों पर है और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुलदीप वैद्य हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य साहब आपका। आज प्रोटेस्ट किया गया है कांग्रेस द्वारा, पंजाब में क्या तस्वीर देखने को मिली और कितना सर आपको जन समर्थन इस मुद्दे के साथ मिल रहा है? देखो, ऐसे है कि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं, इसके साथ हमारे जो चावल हैं उसका भी रेट बढ़ता है, हमारा जो गेहूं है उसका भी रेट बढ़ता है, एडिबल ऑयल का भी रेट बढ़ता है। ये अकेला ये बात कह दूं कि अकेला परिवार नहीं, सभी लोग इसमें अफेक्ट होते हैं। एंड हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, 100 रुपये प्रति लीटर डीजल एंड पेट्रोल, एंड डीजल एंड पेट्रोल के आगे दाम के तकरीबन 20 रुपए का फर्क होता था, क्योंकि हमारे जो विलेजर्स हैं, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो ज़्यादा डीजल यूज़ करते हैं। हमारे किसानों को 92 से 95 रुपीज़ पर लीटर डीजल लेके वो कैसे सरवाइव करेंगे? ये मोदी सरकार को शायद मुझे लगता है समझ है, वो समझना नहीं चाहती। लेकिन अगर आपकी ही बात करें तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दो फाड़ है और ये लगातार खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि जो दिग्गज आपके लड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस के, उससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? कांग्रेस बिल्कुल दो फाड़ नहीं है। हर घर में कोई ना कोई बात होती है। हमारा कोई MLA छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गया। मैं इसको पार्टी छोड़ना आना, मैं इसको बहुत अच्छा, जी मेरा पर्सनल मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन हाई कमांड ने एक 3 मेंबरी कमेटी बनाई है, जो हमारे कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम थी वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दो धड़े नहीं है, मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी ये चीज़ दूसरा धड़ा कहाँ है? देखो, हमारी पार्टी में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। हम लोग जो हमारी हाई कमांड जो फैसला करती है, हम उसको बिल्कुल ऑनर करते हैं। एंड जो भी हाई कमांड सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के लिए फैसला करेगी, हम उसके ऊपर फूल जलाएंगे। वो जो आदेश होगा हमारी हाई कमांड का, हम उनको इन बिन मानेंगे। कोई कंपैरिजन मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ नहीं है। पोस्टर से हो रहा है ना सर? मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है, जो भी ये पोस्टर लगा रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी निसंदेह। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पंजाब कांग्रेस के कैप्टन हैं और रहेंगे। कैमरामैन अश्विनी के साथ कुलवीर दीवान, खबर फास्ट, चंडीगढ़।